दिल्ली की कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर और उसके भाई अतुल सेंगर समेत सभी 7 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह रकम पीड़ित के परिवार को दी जाएगी। इससे पहले पीड़ित से दुष्कर्म मामले में सेंगर को उम्र कैद हो चुकी है, वह तिहाड़ जेल में बंद है। 4 मार्च को कुलदीप सेंगर, उसके भाई अतुल सेंगर, 2 पुलिसकर्मियों और 3 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया था। इस मामले में सजा तय करने के लिए गुरुवार को अदालत में बहस हुई तो सेंगर कोर्ट में गिड़गिड़ाता नजर आया था। दरअसल सीबीआई ने इस मामले को विभत्त बताते हुए कठोर सजा देने की मांग की थी। इसके बाद सेंगर ने जिला जज धर्मेश शर्मा से कहा कि मुझे इंसाफ दिया जाए या फिर फांसी पर लटका दिया जाए। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरी आंखें तेजाब से जला दी जाए। इस पर जज ने जवाब दिया कि सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही फैसला किया जाएगा। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल 2018 को जुडिशियल कस्टडी के दौरान मौत हो गई थी। पिछले हफ्ते इस मामले में आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने कहा था कि घटनाक्रम से स्पष्ट हो जाता है कि कुलदीप सिंह सेंगर के संरक्षण में ही पुलिस ने पीड़ित को राइफल की बैरल से पीटा और उसके साथ हैवानियत की, इसलिए इसका दोष साबित होता है। कोर्ट में सीबीआई के वकील ने कहा था कि पीड़िता के पिता बीमार थे, इसके बावजूद उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। आरोपी पुलिसकर्मी वहीं मौजूद थे, ये लोग उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। दिल्ली कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उसे मृत्यु तक जेल भेज में रखने के आदेश दिए थे। सेंगर पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी रद्द की जा चुकी है। आपको बता दें कि कुलदीप सेंगर की गिनती उत्तर प्रदेश के दल बदलू नेताओं में होती है। 4 बार से लगातार विधायक रहा कुलदीप, कभी चुनाव नहीं हारा। उसने उन्नाव जिले की अलग अलग सीटों से 3 बार चुनाव जीता है। वह 2002 में पहली बार बसपा से सदर, 2007 में सपा से बांगरमऊ और 2012 में भगवंत नगर से चुनाव जीता था। 2017 में उसने भाजपा से बांगरमऊ सीट से चुनाव जीता था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.